राधे राधे दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण वेद शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। ये शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का अगर पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई सारे नियम बताए गए हैं, जैसे कि भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। भवन का द्वार किस दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है ये भी बताया गया है। साथ ही साथ अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है, इसलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसका अशुभ प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है और घर परिवार के सदस्यों पर भी जरूर पड़ता है। घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उस घर में निवास कर रहे लोगों को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में भी बताया गया है जिनकी लकड़ी से केवल मुख्य द्वार को ही बनाना चाहिए, क्योंकि अन्य बाकी लकड़ियों से बने मुख्य द्वार शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यदि इन वृक्षों के लकड़ी से द्वार बनाए जाते हैं तो उस घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का निवास सदैव होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए घर का मुख्य द्वार बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ियों का ही ध्यान रखें। घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हमेशा होता रहे, तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि YouTube आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए ताकि घर के अंदर की और बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा कलेश लगा रहता है। घर के मुख्य द्वार का आकार अन्य द्वार के आकार के बराबर भी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा दो पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते और बंद करते समय दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। दो पल्लों का मुख्य द्वार ही शुभ माना जाता है। दो पल्लों के मंदिर की तरह प्रतीत होता है। माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जिस घर का मुख्य द्वार दो पल्लों का हो। अगर आपके मुख्य द्वार का पल्ला एक है तो उसे बदल कर दो पल्लों का कर लीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के आगे दहलीज होना बहुत जरूरी है। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी से माता लक्ष्मी प्रवेश होकर घर में प्रवेश करती हैं। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। खासकर दहलीज पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज ना होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और घर में रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए घर में दहलीज जरूर बनवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार का दरार या छेद नहीं होनी चाहिए। घर का मुख्य द्वार
बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर छेद या दरार से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ दरार वाला होता है, उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्टों का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर हमेशा तोरण लगा होना चाहिए। इससे अशुभ शक्तियां आपके घर से दूर रहती हैं। घर में कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होती और बुरी नजर भी दूर होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह और धार्मिक प्रतीत अवश्य लगवाएं, जैसे कि शुभ लाभ, स्वास्तिक अथवा ओम का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार, पेड़, सूखा पेड़, पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा का निर्माण करती हैं। इन वस्तुओं के कारण घर में वास्तु भेद का निर्माण होता है और घर में समस्याओं का आना, धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना शुरू हो जाता है। ये चीजें मुख्य द्वार के सामने होने से जीवन में आने वाले अवसरों को भी कम कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होनी चाहिए, मुख्य द्वार के सामने गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार के साफ होने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं, और जहां गंदगी होती है वहां केवल नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए मुख्य द्वार के आगे सफाई का होना बेहद जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते व बंद करते समय करंट या कर्कश की आवाजें नहीं होनी चाहिए। इसे ध्वनि भेद हो कहा जाता है, जिसे वास्तुशास्त्र में पूर्णतः अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली कर्कश या करंट की आवाज के कारण घर में कलेश कलह लगा रहता है, घर में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए इसे सही करवा लेना चाहिए, वरना आगे जाकर यह आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को उत्पन्न करता है। मुख्य द्वार का दरवाजा कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे घर में निवास करने वाली माता लक्ष्मी चली जाती हैं और घर में बार बार विपत्तियां आती हैं, संकटों का सामना करना पड़ता है, धन का खर्च बढ़ जाता है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी राशि को लिख करके, और साथ में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, क्योंकि वास्तु दोष के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार में बताया है, इसलिए उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार का दरवाजा कौन सी वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार का दरवाजा चंदन, अशोक, नीम, अर्जुनखेड़, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि करता है, सुख शांति बनाए रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार कभी भी भेड़ा, पीपल, बरगद, कटक आदि वृक्षों से नहीं बनवाना चाहिए। इन लकड़ियों से बने मुख्य द्वार से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जले हुए पेड़ की तथा जली हुई लकड़ी का भी द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे घर का सर्वनाश होता है। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन की लकड़ी से बना मुख्य द्वार शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, धन का आगमन सदैव बना रहता है। यदि संभव हो तो भवन का हर द्वार एक ही लकड़ी से बनाना चाहिए, यह घर के लिए उत्तम होता है। जिस लकड़ी का दरवाजा होता है उसकी ही आपको चौखट भी बनवानी चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा इस तरह से नहीं बनवाना चाहिए, यह अशुभ फल देता है। घर के मुख्य द्वार की सबसे सही दिशा पूर्व या उत्तर होनी चाहिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी खुद से खुलना या बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे के रुकने के लिए खूंटी, स्टॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजों के कारण घर में शोक का वातावरण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के कुछ अहम नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा लाभ पा सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें। मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।